जब लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी ज़िंदगी, आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको सुनाता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कहानी ऐसी कि हमारे यहाँ एक पोहा बेचने वाला है, गरम गरम पोहा सुबह सुबह रोज वो लोगों को खिलाता है। छोटा सा दुकान है और लोग रास्ते पे खड़े रह के कागज़ के ऊपर पोहा लेके खाते रहते हैं। बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। पोहा गरम गरम है, अच्छा है, टेस्टी है और 10 रुपये में प्लेट भर तो बहुत सस्ता भी होता है, तो लोग आते हैं, बहुत भीड़ करते हैं लोग। उसमें क्या है कि उसमें एक मैंने देखा कि एक लड़का वो भीड़ में जाता था और जाके वो पोहा खाता था और बिना पैसे दे के निकल गया। मैं भी कभी कभी जाता हूँ वहाँ, वहाँ पोहा उसके अलावा समोसा कचौड़ी भी मिलता है। तो मैं एक दो बार देखा कि ये लड़का आता है, पोहा खा लेता है और निकल जाता है चुपचाप। तो मैंने वो पोहा वाले को बोला, मैंने बोला कि भाई ये आपको पता है कि ऐसा ऐसा लड़का है ये, और ये आपके यहाँ पोहा लेता है और नज़र झुका के चुपचाप निकल जाता है, पैसा देता नहीं है, तो आप उसको रोकते क्यों नहीं है? आपको मालूम है ऐसा हो रहा है? बोले मुझे मालूम है ऐसा हो रहा है। बोला फिर आप रोकते क्यों नहीं हो? बोले रोकता नहीं है क्योंकि ये जो है ना लड़का, ये जब भीड़ रहती है तब हमारे पास में आता है, क्योंकि अकेले कोई भीड़ नहीं तो कोई आएगा नहीं, तो लड़का भी आएगा नहीं और चुराएगा भी नहीं। जब भीड़ रहती है तो आएगा, तो ये वहाँ बैठे रहता है सामने, और सामने बैठ के जब भीड़ हो जाती है तब वो आता है और भीड़ में खा के निकल जाता है। तो भीड़ का इंतज़ार वो करके बैठता है और भगवान से प्रार्थना शायद करता होगा कि भाई मेरे दुकान में भीड़ आवे तो भीड़ में आके पोहा खा के निकल जा सकता है। तो मेरे लिए तो कोई प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना ऐसे कर रहा है कि मेरा धंधा बढ़े, भीड़ आ जाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने ऐसा एक आदमी रखा हुआ है कि जो मेरी प्रार्थना करता है भगवान से, और वो कृतज्ञ है भगवान से और मेरे से कि भाई वो चुपचाप मेरे यहाँ खा के जा रहा है। तो यदि आपके लिए ऐसा कोई व्यक्ति है तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा। ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में कि जो लोग आते हैं जाते हैं, फ्री सर्विस लेते हैं, हमको मालूम भी नहीं रहता है कि ऐसा होता है करके। और भीड़ में तो स्पेशली होटल्स में लोग ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल्स में लोग ऐसा करते हैं, भीड़ में चले जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हॉस्पिटल में रहते हैं जब पैसा देने का टाइम आ जाए तो भाग निकल जाते हैं। अरे ठीक है, हरकत नहीं, भीड़ है तो भी निकल जा रहे, नहीं तो कैसे क्या निकल जाते थे। तो ये जो आदमी है, ये आदमी कृतज्ञता व्यक्त करता है, बताते रहता है, भगवान को बोलते रहता है कि भगवान इसके यहाँ पोहा खाने के लिए बहुत लोग आना चाहिए ताकि मुझे आज पोहा खाना मिलेगा। तो ये प्रार्थना करता है करके मेरा धंधा चलता है। तो मैंने यार बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक अच्छा लेसन सिखाया और ये बहुत फ़ायदेमंद लेसन रहा, बहुत फ़ायदेमंद एक मुझे सीख मिली। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।